नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहित और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंडियन रिवोल्यूशनरी फार्मर पर। और आज की वीडियो में हम आपको एक जानकारी देंगे कि यदि आपके पास गाभिन पशु है कोई, या आपकी कोई गाय है, कोई भैंस है जो कि गाभिन है और इस समय पर दूध दे रही है या फिर ड्राई हो गई है, तो ऐसे पशु जो होते हैं उनके लिए हमारा फिर एक ही लक्ष्य रह जाता है कि जब पशु दोबारा से डिलीवरी करे तो वे अच्छे तरीके से हष्ट पुष्ट और मोटा तगड़ा उसका सुंदर शरीर हो जाए और उसके शरीर में सुंदरता आ जाए, उसकी जो स्किन होती है, जो चमड़ी होती है, उसमें ब्राइटनेस आ जाए और पशु में किसी तरह की कमजोरी ना हो, ताकि आगे चलकर वह अच्छी तरीके से लेवटी का विकास करे। और अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है तो जो पशु ड्राई पीरियड में है तो वो गर्मी से भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि पशु को गर्मी लगती है तो पशु पूरा दिन हाँफता रहता है और फिर उसको कमजोरी आ जाती है। या बहुत सारे पशु जो होते हैं जो थोड़ा बहुत दूध दे रहे हैं या फिर जो 3-4 महीने के प्रेग्नेंट होते हैं वो दूध से ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, वो बार बार दूध में पैर मारते हैं या फिर दूध देना बंद ही कर देते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। खास करके जो भैंस होती है, विशेषकर भैंस से गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है और इसीलिए यदि आप उसका अच्छी तरीके से प्रावधान नहीं करेंगे, उसको दिन में बार बार नहीं नहलाएंगे उसको, क्योंकि कोई भी भैंस है जिसको गर्मी लगती है यदि उसको आपको दूध पर बना करके रखना है तो सबसे पहली बात कि पशु को गर्मी महसूस कम से कम होनी चाहिए। यदि वातावरण में गर्मी है तो आप उसके लिए विशेष प्रबंध करें, उसको बार बार पानी पिलाएं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने दें, पंखे की व्यवस्था, हवादार कमरे की, हवादार शेड की उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। और इसके साथ में पशु को ऐसी चीज भी खिलाई जानी चाहिए जो कि आपके पशु को अंदर से, यानी कि उसके पेट के अंदर गर्मी ना बनने दे, उसके पेट के अंदर ठंडक बनाए रखे, क्योंकि यदि पशु के अंदर गर्मी बन जाती है तो पशु दूध से भी कम होता है। बहुत सारे पशु एबोर्शन भी कर देते हैं, बच्चे को भी गिरा देते हैं और कुछ पशु दूध से ड्राई हो जाते हैं और बहुत सारे पशु तो कमजोर हो जाते हैं, खासकर कटड़े कटड़ियाँ जो होती हैं, हीफर्स होती हैं 2-2.5 साल की उम्र की, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, उनके शरीर में जो चमक होती है, ब्राइटनेस होती है, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, पशु बिल्कुल भद्दे दिखने लग जाते हैं। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने पशुओं की फीड में जौ को शामिल करें। जौ का मतलब होता है, जौ एक अनाज होता है जो सर्दियों के मौसम में गेहूं के साथ उगाया जाता है और यह जौ अनाज को यदि आप पशुओं की फीड के अंदर शामिल करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है और पशु कमज़ोर है तो वह शरीर से हष्ट पुष्ट हो जाएगा, मोटा तगड़ा हो जाएगा और उसके शरीर पर जो फैट की मात्रा होगी वो काफ़ी अच्छी आ जाएगी और पशु का विकास काफ़ी अच्छा होगा। जो कटड़े कटड़ियों की गर्मियों में ग्रोथ रुक जाती है या फिर जो हीफर्स जो होती हैं गर्मियों में कमज़ोर हो जाती हैं, उनको भी यह बहुत ज़्यादा फायदा करता है। आपके जो काफ होते हैं, जो हीफर्स होती हैं, वो मोटी तगड़ी हो जाएंगी। जौ का आटा यदि आप पशुओं को पानी के अंदर घोल करके पिलाते हैं तो आपके पशु को गर्मी महसूस नहीं होगी। और जो आपके दुधारू पशु हैं, जो दुधारू पशु गर्मियों में दूध देना में आनाकानी करते हैं, जिनको दूध देने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी महसूस होती है, उनको गर्मी ज़्यादा लगती है, तो ऐसे पशुओं पर भी यह बहुत अच्छा ये प्रभाव डालता है। आपका दुधारू पशु अच्छे तरीके से दूध को मेंटेन रखेगा तो आप अपने पशुओं की फीड में जौ को जरूर शामिल कीजिए। इसको कितनी मात्रा में शामिल करना है, इसको 1/4 मात्रा में शामिल करना है। यदि आप एक बारी में 100 किलो यानी कि 100 kg की फीड अपने पशुओं के लिए तैयार करते हैं तो उसमें 25 किलो 30 किलो आपको जौ शामिल करने हैं। यदि आप यह शामिल करते हैं तो 100% हम आपको यह दावा कर सकते हैं कि आपके पशु में यदि किसी तरह की कमजोरी है या फिर वह दूध कम दे रहा है या उसको गर्मी ज़्यादा लगती है तो ऐसी सब समस्या दूर हो जाएगी। और जो आपका पशु ग्रोथ नहीं कर रहा था, जो काफ थे, हीफर थे या फिर जो ड्राई बफलो थी जो शरीर से कमज़ोर थी, वह अच्छे तरीके से हष्ट पुष्ट हो जाएगी। तो आप अपने पशुओं की फीड में जौ को जरूर शामिल कीजिए, इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सभी किसान पशुपालक भाइयों तक यह जानकारी पहुंच सके और सभी किसानों को इसका लाभ मिले।